वालेकुम टू एवरीवन उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का होने वाला पीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही उम्दा आएगा तो डिस्कस करते हैं आज के इस एग्ज़ाम की आंसर की जिसमें पीपीएससी बायोलॉजी का टेस्ट था जो कि संडे आठ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी वन को हेल्ड हुआ है उसका पार्ट वन है जी देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उनकी स्टेटमेंट एज एट हो सकती है उस जो ओरिजिनल पेपर है बट इसमें जो आंसर हैं वो भी जो करेक्ट आंसर है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा लेकिन जो बाकी रेलिवेंट आंसर थे वो पॉसिबल हो सकता है कि वो उस जैसे ना हो जो आपके ओरिजिनल पेपर के अंदर थे हमने कोशिश की है कि आपको उस स्टेटमेंट के साथ उसका करेक्ट आंसर बताया जाए और इसमें ये भी हो सकता है कि इसकी जो क्वेश्चन की अरेंजमेंट है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकती है एज ए जिस तरह आपका पेपर था आपका वरियन था उसमें जैसे तरतीब थी उन क्वेश्चंस की तो यहाँ पे वो नहीं होगी जस्ट आपको उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट और उसका आंसर जो है वो उसका मिलेगा क्वेश्चन नंबर वन है जी साइबर ग्रीन डाई इज यूज ऑन एंड एक्साइटेड टू गिव फ्लोरिसन सिंगल स्टैंडर्ड डी डबल स्टैंडर्ड डी सिंगल स्टैंडर्ड आर एन नन ऑफ दीज तो इसका करेक्ट आंसर है जी डबल स्टैंडर्ड डी सेकेंड स्पाइडर आर नॉट इंसेक्ट बिकॉज ऑफ स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है इसका करेक्ट आंसर है जी ऑल ऑफ दर्ड एफिड इंसेक्ट आर ओ वी पेरस वी वी पेरस पेडियोजनेस नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है जी ए पेरस फोर है जी पेस मेकर ऑफ मेबिलियन हार्ट इज एवी नोट एस ए नोट बोथ

एविल डिफॉर्म नन ऑफ दिस डिस्टार्ट का मतलब है उसको शक्ल चेंज कर देना उसको बिगाड़ देना करेक्ट आंसर इज डिफॉर्म सेवन है जी हु क्रिएटेड फर्स्ट डेटा बेस इन बायो इनफॉर्मेटिक्स बायो इनफार्मेटिक्स के अंदर पहली डेटाबेस किसने बनाई डे हॉफ मारग्रेट वल्टर एंड रसल करेक्ट आंसर इज डे हॉफ क्वेश्चन नंबर एट है जी स्क्वैश प्लेयर डाइड ड्यू टू कोरोना कोविड की वजह से कौन सा स्क्वैश का प्लेयर जो है उसकी डेथ हुई है जहांगीर खान जान शेर खान आजम खान नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज आजम खान लेंथ ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इन पेप्टाइड इज डैश देन डैशल बॉन्ड जो सी एन बॉन्ड की लेंथ होती है वो नॉर्मल बॉन्ड से क्या होती है जी शॉर्टर लॉन्गर इक्वल नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज बी लॉन्गर क्वेश्चन नंबर टेन है जी डायफ्राम प्रेजेंट इन डायफ्राम प्रेजेंट होता है जी बर्ड्स एंड मैनमल ओनली मैमल्स

हैवी और लॉन्गेस्ट स्नेक है जी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व लार्जेस्ट फाइलम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्पीशीज नंबर ऑफ स्पीशीज जो सबसे ज्यादा स्पीशीज की तादाद के मुताबिक जो बड़ा फाइलम है कॉर्डेटा आर्थ्रोपोडा इकाइनोडर्मेटा पोरीफेरा इसका करेक्ट आंसर है जी आर्थरोपेडा आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है क्वेश्चन नंबर थर्टीन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्रेक विच टाइप ऑफ बॉन्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑल ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शन इंजाम डी एन ए के अंदर प्रेजेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं करेक्ट आंसर इज ए फोर्टीन क्वेश्चन है जी बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन अमाइनो एसिड्स फॉसफो बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है जी बी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड के अंदर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन रिसेंट सी ऑफ स्टील मिल पाकिस्तान तो पाकिस्तान की स्टील मिल है उसका मौजूदा सी ओ ब्रिगेडियर शोजा हुसैन डॉक्टर हामिद अतीक सरवर इंजीनियर नन ऑफ दीज करेक्ट तो आंसर इज ब्रिगेडियर शोजा हुसैन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है जी बाय डिफ़ॉल्ट हेडर एंड फोटर एड ऑन इवन पेज अल्टरनेटिव आल पेजेस लास्ट जो कंप्यूटर के अंदर एम एस के अंदर हम जो हैडर और फोटर को किन पेजेस के ऊपर ऐड कर सकते हैं इसका करेक्ट आंसर है जी ऑल पेजेस। क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रोसेस टेक प्लेस इन माइट्रोकॉन्ड्रिया माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा प्रोसेस हो सकता है कोलेस्ट्रोल फार्मेशन ग्लाइकोलाइसिस एसिड फार्मेशन नन ऑफ दीज सो करेक्ट आंसर इज एसिड फार्मेशन क्वेश्चन नंबर एटीन है जी इंसुलिन प्रोटीन सिक्वेंस रिकगनाइज बाय मैंडल ग्रिफ वाटसन एंड सेंगर इसका जो इंसुलिन का सिक्वेंस वो किसने स्टडी किया फ्रेडरिक सेंगर एफ सेंगर अर्थवर्म सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन सर्कुलेटरी क्लोज सिलोमिक नन ऑफ दीज तो अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है करेक्ट आंसर इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इंसेक्ट्स रिस्पायर थ्रू गिल्स स्पेरिकल्स लंग्स स्विम ब्लीडर तो इंसेक्ट किसके थ्रू रिस्पायर करते हैं इसका करेक्ट आंसर है जी स्पेरिकल्स होपफुली uh, आपके मैक्सिमम uh, क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होंगे तो पार्ट टू फ्यू मिनट्स के बाद आपको अवेलेबल होगा इसी चैनल के ऊपर स्टे कनेक्टेड विद अस